6th of August 2020 जो 6 अगस्त 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हू वांट टू गेट द करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज जो कि 2020 के लिए बनाई गई है, एंड दोज हू वांट टू गेट द यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, तो वो दोनों लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो, नीचे लिंक दी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निक्षय पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निक्षय पोर्टल इनमें से किससे एसोसिएटेड है आपको बताना है। ऑप्शंस आर देयर, फर्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान, सेकंड इज विजुअली चैलेंज्ड पर्सनल वेलफेयर, थर्ड इज लीगल सर्विसेज टू द पुअर, फोर्थ इज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल। तो आपको बताना है निक्षय पोर्टल किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर टू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टेमिस मिशन ऑफ नासा। नासा का एक मिशन है आर्टेमिस मिशन, आपको उसका मेन एम बताना है। ऑप्शंस आर ए टू स्टडी द ग्लोबल रिस्पॉन्स ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर टू द चेंजेस इन द सोलर विंड, बी टू गेट द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन एंड द नेक्स्ट अमेरिकन मैन टू द सर्फेस ऑफ मून बाई 2024, सी टू एनालाइज द लैंडफॉर्म्स स्टेटियोग्राफी मिनरल्स एंड आइस मार्स, डी टू रिपीटेडली प्रोव एंड मेकिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ द आउटर कोरोना ऑफ द सर्फ सन। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज XEMU समटाइम्स सीन इन न्यूज रिसेंटली रिफर्स टू। XEMU क्या है? ऑप्शन आर ए कोरियाज सेक्रेड वॉल्केनिक माउंटेन, बी नासाज नेक्स्ट जनरेशन स्पेस सूट, सी अर्थक्वेक वार्निंग मैकेनिज्म टू बी सेटअप एट द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या डी फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर बैटेंस डिसीज। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे जिनके आंसर्स आप करेंगे। यू विल गिव मी द आंसर, यू पीपल आर नॉट अटेंडिंग द क्वेश्चंस। तीन क्वेश्चन आप गूगल करके नहीं आंसर बता पाते हो। सो आई विल नॉट बी टेलिंग यू द आंसर टुडे, यू विल बी टेलिंग मी द आंसर्स। अगर आप नहीं बता पाते तो मैं कल आपको आंसर जरूर बता दूंगा, बट प्लीज डू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज उसको लाइक किया करिए, उसको शेयर किया करिए। लेट्स सी द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट नाउ, आगे मूव करते हैं। फ्रंट पेज की न्यूज़ में अगर बताऊँ तो मॉडर्न सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया है कल, उसके ऊपर ये लिखा गया, इट इज़ द मॉडर्न सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर। सेकेंड न्यूज़ वॉज कश्मीर अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट, सो ये दो न्यूज़ थी। देन सेंटर नॉट टू CBI प्रोव इन सुशांत केस, ये भी हेडलाइन आप समझ गए। दिल्ली हाई कोर्ट आस्क लोअर कोर्ट टू डिसाइड ऑन वृंदा प्लीज ऑन हेट स्पीचेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मूव करेंगे, यहाँ पे आपको डिफेमेशन केस लिखा हुआ दिखा होगा, है ना, डिफेमेशन केस। व्हाट इज दिस डिफेमेशन? डिफेमेशन इंडिया में क्रिमिनल और सिविल दोनों ही ऑफेंसेस के अंदर आता है। सो याद रखिएगा, डिफेमेशन इन इंडिया इज बोथ अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज अ क्रिमिनल रॉन्ग। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर फर्स्ट थिंग। ओके, तो डिफेमेशन इज बोथ अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग। अब डिफेमेशन आईपीसी के दो सेक्शंस के साथ बनता है, एक है सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी, दूसरा है सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। रिमेंबर दैट दीज आर द टू सेक्शंस रिलेटेड टू डिफेमेशन, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। 499 बताता है कि डिफेमेशन क्या है, मतलब कि एनीवन इफ ही यूजेस वर्ड्स सिंबल्स और ही यूजेज एक्शंस इस तरीके की चीज़ें एक्सप्रेशंस इन ऑर्डर टू एक दूसरे व्यक्ति की रिपुटेशन या उसको घटाने का काम करता है, आइदर थ्रू रॉन्ग सेइंग्स, मतलब गलत बोल करके झूठ बोल करके, तो वो डिफेमेशन के अंदर आता है। नाउ जो सेक्शन 500 है वो बताता है व्हाट कैन बी द पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन। तो डिफेमेशन की जो पनिशमेंट हो सकती है, जैसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, 2 ईयर्स तक का जेल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट की का जो सज़ा है वो आपके डिफेमेशन के अंतर्गत होता है। तो इस कारण से आपको ये याद रखना है कि डिफेमेशन इन इंडिया इज बोथ अ सिविल रॉन्ग एज वेल एज अ क्रिमिनल रॉन्ग। कई लोगों ने ये जरूर बोला है कि डिफेमेशन को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रखना चाहिए, इट गिव्स अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो लोग बोलते हैं उसके ऊपर एक चिलिंग इफेक्ट होता है और इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है बोलने का या फ्रीडम एक्सप्रेस करने का, वो इससे घटता है। क्योंकि आप डर जाओगे, आपको लगेगा कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो कहीं सामने वाला डिफेमेशन ना लगा दे। तो आप सही भी अगर क्रिटिसाइज करना चाहते हो किसी को, तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफेमेशन। दैट इज द रीजन वाई ये कहा जाता है
कि इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। बट सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ये क्लियर कर दिया है दैट क्रिमिनल ऑफेंस रहेगा, डिफेमेशन विल रिमेन अ क्रिमिनल ऑफेंस। दिस इज एज पर द सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, वेस्ट ऑन यमुना पार्क, यमुना बैंक, एनजीटी वॉन्स ऑफ पेनल्टी। ओके, तो यमुना बैंक में वेस्ट था, इस कारण से एनजीटी ने बोला कि भैया आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। एनजीटी है क्या? एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनजीटी की स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी तो किसी एक्ट के थ्रू बनी होगी, एक्ट था एनजीटी एक्ट ऑफ 2010, एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 एनजीटी एक्ट था। अब इसको बनाया गया था टू मतलब कि जल्दी से जल्दी जो केसेस हैं एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस उनको सॉल्व करने के लिए, तो इसको 6 महीने का टाइम रहता है, 6 month टाइम पीरियड इज गिवन टू दिस एनजीटी टू सॉल्व द केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड ऑल, ठीक है ना। दूसरी चीज़ याद रखेगा, एनजीटी इंडिया में ऐसी पहली कंट्री नहीं है जहाँ पे एनजीटी जैसा मैकेनिज्म हो, यानी कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है, इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव सच अ मैकेनिज्म। फर्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड कंट्री इज न्यूजीलैंड, थर्ड कंट्री इज इंडिया। बट इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक एनजीटी। याद रखिएगा, इंडिया इज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू हैव अ मैकेनिज्म लाइक एनजीटी, लेकिन इट्स नॉट द फर्स्ट कंट्री। फर्स्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा आपका इंडिया था। लेकिन अगर खुला था कि फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री, तो हाँ फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री जरूर है, ठीक है ना। अब एनजीटी बहुत सारे केसेस को देखता है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जिनके केसेस को नहीं देखता है, जिसका लगेगा आपको कि देखता है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और दूसरा है फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। इसी को अब नया हो गया है फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट ऑफ 2006 हो गया ये, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस को, इन दोनों एक्ट के अंदर जो केसेस आते हैं वो डायरेक्टली एनजीटी के पास नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। एनजीटी का एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड 1908, बट आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से जरूर गाइड होते हैं, याद रखिएगा ये भी चीज़ कि दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, बट आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एनजीटी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप आई जस्टिफाइड दीज टू टॉपिक्स। आगे मूव करते हैं, हाई कोर्ट गिव्स नॉट टू कट 357 मैंग्रोव्स फॉर मेट्रो 4। अब यह मुंबई में MMRDA ने परमिशन दी है बेसिकली कि वहाँ का जो फोर्थ मेट्रो है वहाँ पे मुंबई में, उसको बनाने के लिए जो रीज़न है मैंग्रोव का, उसको क्लियर करने के लिए बोला गया है। अब ये रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट इज़ द रिजर्व कैटेगरी एंड व्हाट इज़ अ प्रोटेक्टेड कैटेगरी। तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं विच आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट आर सच फॉरेस्ट विच आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड नो पब्लिक एंट्री इज अलाउड फॉर कलेक्शन ऑफ टिम्बर और ग्रेजिंग कैटल। नो एंटिटी इज अलाउड फॉर कलेक्शन ऑफ कलेक्टिंग टिम्बर्स एंड ग्रेजिंग कैटल। अबाउट 53% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया फॉल्स इन दिस कैटेगरी। ओके, तो 53% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। देन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर बात करें तो दीज फॉरेस्ट आर लुक्ड बाय द गवर्नमेंट बट द लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल वुड टिम्बर एंड ग्रेज देयर कैटल विदाउट कॉजिंग सीरियस डैमेज टू द फॉरेस्ट। ओके, तो याद रखिएगा ये मतलब यहाँ पे आपको परमिशन ज़रूर रहती है, मतलब कि आपको फ्यूल कलेक्ट करने की परमिशन रहेगी, टिम्बर कलेक्ट करने की, ग्रेज कराने की कैटल को, ठीक है ना। बट यू शुड नॉट कॉज सीरियस डैमेज टू द फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा दीज आर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। एक और कैटेगरी होती है इसमें लिखी नहीं, वो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ओके, जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते वो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट कहलाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो क्या होता है बेसिकली, जब भी आप इस तरीके की चीज़ें लेंगे, लेट मी ओपन अप दैट अगेन। हाँ, जब भी आप इस तरीके की चीज़ें लेंगे, मतलब कि जब भी आप इस तरह से क्लियर करेंगे लैंड को, तो उससे क्या होगा कि आपको कंपनसेशन में कुछ करना पड़ेगा। अब कंपनसेशन में क्या किया जाता है, कंपनसेशन में बेसिकली ये किया जाता है कि यहाँ पे जो मैनग्रूव को रिमूव करने की जो कॉस्ट है वो उतना कंपनसेट किया जाएगा, उतने सैम्पलिंग्स आपके मैनग्रूव को लगाने पड़ेंगे। जैसे 4,444 मैनग्रूव सैम्पलिंग्स एंड 0.12 हेक्टेयर ऑफ मैनग्रूव फॉरेस्ट लैंड आपको बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली
ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। तो यहाँ पे आर्टिकल है द, यहाँ पे तो ये आर्टिकल, ये दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं आज, क्योंकि दोनों ही राम मंदिर और इसके ऊपर है, हमको ये डिस्कस नहीं करना है। ओके, वी विल नॉट एंटर इनटू द कंट्रोवर्सी ऑफ दैट कि भूमि पूजन क्यों हुआ, अच्छा हुआ जो हुआ। आगे मूव करते हैं हम, टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटीज सीरियसली। ओके, अब यहाँ पे जो आर्टिकल है टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटीज सीरियसली, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे सबसे पहले आज अगर आप देखो तो आज 6 अगस्त है, 6 अगस्त को हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है ना। 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था, ओके, अमेरिका ने किया था उस समय वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में, आप सबको पता है ये सारी चीज़ें। तो नियरली 2 लाख पीपल वर और मोर हु सर्वाइव्ड द बॉम्बिंग्स ऑफ दीज टू सिटीज, दे आर नोन एज हिबाकुशा। याद रखिएगा, वॉट इज अ हिबाकुशा, हु इज अ हिबाकुशा, अ हिबाकुशा इज अ सर्वाइवर ऑफ दैट बॉम्बिंग, जो उस बॉम्बिंग में बचा वो हिबाकुशा कहलाते हैं, ठीक है ना, इन दोस सिटीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेगा। और नियरली 2 लाख पीपल वर किल्ड इन दैट, एंड आज भी कई जगहों पे हिरोशिमा नागासाकी में कहा जाता है कि इवन द इम्पैक्ट्स आर इवन टुडे, आज भी कई लोग वहाँ पे इस तरीके से पैदा होते हैं जिनके अंदर कुछ मतलब कमियाँ रहती है, डिफॉर्मिटीज रहती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर आफ्टर इफेक्ट्स, वो न्यूक्लियर इफेक्ट्स के कारण ही ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर टू द रेडिएशन एंड ऑल। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने पहले पूरे पैसेज में बताया कि न्यूक्लियर कितना ज़्यादा तबाही मचा सकता है, न्यूक्लियर कितना ज़्यादा ख़राब होता है, ये सारी चीज़ों ने बताई हैं। नाउ यहाँ पर टू अप्रिशिएट वाई वी आर वल्नरेबल, वी शुड स्टार्ट बाई रियलाइजिंग दैट देर इज़ नो रियलिस्टिक वे टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर आपको ये जानना है कि क्यों न्यूक्लियर वेपन ख़राब है, तो उसका मतलब रीज़न ये है कि आपके पास उससे बचने का कोई तरीका नहीं है, वेदर दे आर यूज डिलिबरेटली, इनएडवर्टेंटली और एक्सीडेंटली। चाहे किसी भी माध्यम से न्यूक्लियर एक्सीडेंट होगा, अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो फिर बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आपके एरिया में हो जाए तो। देन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर टारगेट्स ऑफ अदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ऑफ कोर्स, बट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर वल्नरेबल एज वेल। तो एक अब देखो, वर्ल्ड में तो एक न्यूक्लियर रेस चली गई थी, वर्ल्ड में जब न्यूक्लियर रेस चली तो उसमें सब कंट्रीज ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, इंडिया ने भी किया। इंडिया ने पहले 1974 में कर लिया था, इसके बाद हमने फिर दोबारा से अगर आपने देखा तो कि 1999 में फिर हमने पोखरण में जब दोबारा किया, ओके, तो इस तरह से स्माइलिंग बुद्धा जो पहला था हमारा, तो इस तरीके से हमने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया, रशिया तो कर ही रहा है, यूएसए करता है, इसराइल, सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो इससे न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज तो प्रभावित हैं ही, इससे जो नॉन न्यूक्लियर हैं वो भी इंपैक्टेड रहती हैं, उनके ऊपर भी हमेशा खतरा रहता है। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ डिटरेंस, ऑथर एक चीज़ यहाँ पे बताता है डिटरेंस क्या होता है। देखो क्या होता है, ये माना जाता है कि एक कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर है तो दूसरी न्यूक्लियर कंट्री उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इट विल एक्ट एज अ डिटरेंस, ये डिटरेंस की तरह काम करता है। और इससे होता क्या है कि एक कंट्री को ये लगता है कि भाई सामने वाली भी न्यूक्लियर कंट्री है और बहुत ज़्यादा तबाही होगी, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सो नो लीडरशिप इज विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम ऑफ दोज हु विल बी किल्ड इन दैट अटैक। इसलिए कोई भी न्यूक्लियर अटैक के लिए हामी नहीं भरेगा, ठीक है ना, सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पे क्या होता है, बेसिकली यही चीज है। तो ऑथर का ये कहना है कि ये डिटरेंस जो है वो काफी नहीं है, दिस डिटरेंस इज नाइदर सफिशियंट नॉर एक्सक्लूसिव। तो ये डिटरेंस जो है काफ़ी नहीं है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो डिटरेंस का आइडिया है ये फेल हो जाए, दिस डिटरेंस आइडिया माइट फेल। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको नहीं पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, तो 1962 का टाइम था, आई थिंक 1962 का ही टाइम था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई। तो हुआ क्या था कि आपको पता है कि क्यूबा जो था वो रशिया के ग्रुप में जा रहा था, रशिया उसको इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहा था और यूएसए उसका अपोज कर रहा था। तो हुआ क्या, क्यूबा में कुछ एक्सपेल्स जिनको निकाल दिया गया था क्यूबा से फिदेल कास्ट्रो के अंतर्गत, तो उन्होंने क्या किया, उनको यूएसए ने सपोर्ट किया और कहा कि आप इनके फिदेल कास्ट्रो को रिमूव करने की कोशिश करो। तो उन्होंने टॉपल करने की कोशिश की, जिससे कि यूएसएसआर की जब ये बात पता चली फिदेल को, तो ही आस्क्ड यूएसएसआर टू हेल्प। एंड हुआ क्या कि यूएसएसआर ने जो पिग्स बे वाला रीजन है वहां पे, जो पिग्स बे कहलाता है, ओके, उनके जैसे क्यूबा में पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल्स लेकर के चले गए थे वो लोग,
है ना, वॉरहेड्स लेकर के, न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर के चले गए थे, फिर डिप्लोमेटिकली जाकर के ये सोल्यूशन निकाला गया। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी, वहाँ पे बिल्कुल यूएसए की तरफ पॉइंट आउट करके उन्होंने मिसाइल्स तैयार कर दी थी, न्यूक्लियर मिसाइल्स। और ये बिल्कुल एक ऐसा टाइम था जब ऐसा माना जा रहा था कि न्यूक्लियर अटैक हो ही जाएगा यूएसए के ऊपर बाई यूएसएसआर, ठीक है ना। तो कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन हैव इन फैक्ट गॉन टू वॉर क्वाइट ऑफन इवन विद अदर कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो ऐसा नहीं है कि एक कंट्री ने अटैक नहीं किया होगा, जैसे चाइना को ही ले लो, चाइना इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर देता बीच बीच में, है ना, जबकि दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं, आज भी हैं, लेकिन अभी फिर से उन्होंने गलवन वैली यहाँ पे आ गए, अंदर आ गए। तो ऐसा नहीं कि कभी गुस्से में भैया छूट गया, कोई बटन दब गई, तो ऐसा हो सकता है ना। सो दैट इज द थिंग विच ऑथर वॉन्ट्स टू से कि इट इज नॉट अ प्रॉपर रिस्ट्रेंट, इट इज नॉट अ प्रॉपर कंडीशन कि आप सोचे कि डिटरेंस है इसलिए ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है। इम्प्लिसिटली हाउएवर ऑल द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैव एडमिटेड टू द पॉसिबिलिटी दैट डिटरेंस कुड फेल। देखो न्यूक्लियर कंट्रीज खुद बोल रही हैं कि डिटरेंस कुड फेल, जरूरी नहीं कि डिटरेंस काम करता रहे, हो सकता है डिटरेंस किसी दिन फेल कर जाए और हमारा जो सब्र का बांध है वो टूट जाए। दिस इज व्हाट दे वांट टू से, इट इज दस जस्ट एन इल्यूजन टू थिंक दैट न्यूक्लियर वॉर इज इम्पॉसिबल। देयर फॉर ऑथर इज सेइंग दैट इट इज जस्ट एन इल्यूजन टू थिंक दैट न्यूक्लियर वॉर इज इम्पॉसिबल। आई होप आपको न्यूक्लियर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी 1962 की हुई थी वो मैंने आपको बता दिया ना। देखो यही वो चीज़ फिर से, मैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस फिर से मैंने बहुत ईजिली टर्म्स में आपको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, इतना ही आप इतना बड़ी बुक पढ़ लो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अंतिम में इतना ही निकल के आएगा। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, यूएसएसआर क्यूबा को हेल्प कर रहा था फिदेल कास्ट्रो को रिमूव करने के लिए, यूएसए ने जो क्यूबन एक्सपेल्स थे, क्यूबन रेबल्स थे, उनको पैसा दिया, बोला कि भैया आप अटैक करो फिदेल कास्ट्रो के ऊपर। जब फिदेल कास्ट्रो को ऐसा लगा कि उसको टॉपल करना, हटाने की कोशिश की जा रही है यूएसए द्वारा, उसने यूएसएसआर से मदद मांगी। इसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ पिग्स वे, अगर आप पढ़ोगे इसको बोलते हैं इन्वेजन ऑफ पिग्स बे, पिग्स बे, तो पिग्स बे इन्वेजन बोलते हैं फिदल जो क्यूबा में हुआ। तो उसके बाद फिर ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आई, आपको मैं बताया था कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर के रशिया पहुंच गया था, खड़ा करके उन्होंने बोला आपकी तरफ पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है ना। सो ऑथर ने बोला कि हम बच क्यों रहे हैं अभी तक 75 साल, कैसे सर्वाइव हो गए। तो ऑथर ने कहा है कि लकीली हम लकीली सर्वाइव कर रहे हैं और लकीली ही सर्वाइव करते रहेंगे, क्योंकि जो टाइम आ गया है वो हर कंट्री न्यूक्लियर वेपन है, तो लक ही है जो कि हमको बचा सकता है। बुक्स नॉट बुलेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो आर्टिकल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिफॉर्म्स है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, बिकॉज एजुकेशन इज़ दी ओनली सॉलेस जहाँ पे कि सोल्यूशन मिल सकता है, है ना। तो ये रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे HRD मिनिस्टर भी हैं, तो उनके द्वारा ये बेसिकली सॉरी नॉट HRD मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर आपको कहना चाहिए, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, है ना। तो ये बेसिकली उन्होंने बोला कि बहुत सारे वेलकमिंग चेंज हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख, एक लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एंड वो जो यूनिवर्सिटी रहेगी दैट विल बी वेरी हाईली एफिशिएंट इन द एजुकेशन सेक्टर, और न केवल लद्दाख के लिए बल्कि आसपास के जो एडजॉइनिंग रीजन्स रहेंगे उनके लिए भी वो यूनिवर्सिटी बहुत काम करने वाली यूनिवर्सिटी रहेगी। देन दे विल हैव अ बुद्धिस्ट स्टूडेंट सेंटर ऑल्सो, देन दे विल फुलफिल द डिमांड ऑफ लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन उसकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि टू इंश्योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 हैज बीन एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड इज इन द फाइनल स्टेजेस। तो जो RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है वो भी जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया गया है और वो भी अपने आखिरी चरण में है। So this is another good step that has been taken. So author says that the effort is in the increasing the capacity building of education infrastructure in Jammu Kashmir region. Jammu Kashmir region में education infrastructure को बढ़ावा देना है, जम्मू कश्मीर रीजन पे फोकस करना है, उनके टीचर्स ट्रेनिंग में वहाँ पे करिकुलम रिफॉर्म करने की कोशिश करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसका एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन करना है। तो दीज आर द एफर्ट्स विच आर गोइंग ऑन इन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज एजुकेशन फाइनली हमको और ज़्यादा क्लोज लेकर के आएगा और फाइनली जो जम्मू कश्मीर है वो खुद को एक अच्छे से एक्सेप्टेड पार्ट की तरह मानेगा। और हम बहुत देखो इट्स वेरी क्लियर दैट जम्मू कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सो वाई नॉट बिल्ड दैट ट्रस्ट, बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी। अब फालतू की लड़ाई झगड़े से तो कुछ होगा नहीं, हमको एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है और बिल्कुल वर्ल्ड को प्रूफ करना है कि हम जितने पीसफुली और जितने अच्छे से रह सकते उतना कोई नहीं रह सकता, ठीक है ना। दिस आर द थिंग एंड एजुकेशन कैन बी द बेस्ट मेथोडोलॉजी इन दैट, सो आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग दीज स्टेप्स देयर। ओके, देन ऑथर ने यहाँ पे बोला कि नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट आउट इन जम्मू कश्मीर, कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए। फॉर दैट थिंग दे आर सेइंग दैट
1417 सीजनल सेंटर्स फॉर लर्निंग हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर ट्रेनिंग द चिल्ड्रन ऑफ गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी फॉर द यूनिक माइग्रेशन लाइफ स्टाइल. अब सिंस माई ऑप्शनल इज ज्योग्राफी, मैं आपको एक टर्म नॉर्मल बता सकता हूँ. आप में से किसी को, कई लोगों को पता होगा, ऐसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक टर्म होता है ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं उसको, ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं. ओके ओके, सो दिस इज द टर्म ट्रांस ह्यूमन्स. ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, बेसिकली जो सीजनल माइग्रेशन होता है, मतलब कि जब समर सीजन आएगा तो आप हाईलैंड्स में चले जाते हो माइग्रेट करके, और जब विंटर्स आता है तो आप नीचे चले जाते हो, लोलैंड्स में चले जाते हो. तो समर्स में हाईलैंड्स में जाते हो और विंटर्स में लोलैंड में चले जाते हो. तो बेसिकली ये जो माइग्रेशन होता है ये आपका सीजनल, सीजन पर डिपेंडेंट है, तो इसको ट्रांस ह्यूमन्स कहते हैं. तो जो बकरवाल गुज्जर कम्युनिटी है वहाँ पे, तो ये एक तरह का पेस्टोरलिज्म ही है. ओके, पेस्टोरलिज्म ही है बट इसमें सीजनल माइग्रेशन होता है. तो ये क्या है? उसके बाद 88 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वहां पे निर्माण किया जा रहा है फॉर द गर्ल्स इज मेड फंक्शनल देयर इन जम्मू कश्मीर. देन 50 new गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस इन जम्मू कश्मीर हैव बीन सैंक्शन. देन 90 न्यू मॉडर्न स्कूल्स ऑन द पैटर्न ऑफ केंद्रीय विद्यालय दे विल बी डेवलप्ड देयर. ओके, इन द नेक्स्ट 3 years अपग्रेडेशन ऑफ स्मार्ट आईटी इनेबल्ड क्लासरूम टू डिलीवर ई कंटेंट विल ब्रिज द गैप ऑफ पोस्ट COVID-19 सिनेरियो. स्मार्ट आईटी इनेबल्ड क्लासरूम्स बनाई जा रही हैं. देन जम्मू कश्मीर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 हैज बीन फ्रेम्ड एंड फाइनलाइज्ड. जम्मू कश्मीर के लिए अलग से जम्मू कश्मीर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 लाई जा रही है, जिसमें कि 327 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, हाईटेक एजुकेशन प्रोजेक्ट्स हैं. कॉलेज यूनिवर्सिटीज दे हैव बीन रिसीव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज इंडीड अ न्यू बिगिनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ वॉयलेंस टॉन रीजन. तो ये जो वॉयलेंस टॉन रीजन था, अब इसको एजुकेशनल हब बनाने की कोशिश की जा रही है. दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच बाय द गवर्नमेंट. ओके, क्वालिटी एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट विच विल पे अस डिविडेंड इन द ईयर्स अहेड. जो क्वालिटी एजुकेशन है दैट कैन बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. हाउ टू पे फॉर द स्टिमुलस. अब जो COVID-19 में जो भी हमारा आउटपुट घटा है, जो भी इकोनॉमिक लॉस है, उसको भरने के लिए आपको पब्लिक स्पेंडिंग की जरूरत पड़ेगी. ऑथर का कहना है आपको गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना ही पड़ेगा. गवर्नमेंट अगर पैसा खर्च करता है तो उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपको उसमें इन्वेस्ट कर देना है. अब फिस्कल डेफिसिट भरने के लिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, तो दो तरीके हैं. एक तो कि आप मनी फाइनेंसिंग कराओ, डेप्ट फाइनेंसिंग बाय द RBI, मतलब कि RBI से बोलो कि आप पैसा छापो. दूसरा आप करो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF से, वर्ल्ड बैंक से पैसा लो. तो ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ बोली है कि सबसे पहली चीज़ कि RBI से जब पैसा छपवाने की बात की जाती है तो लोग बोलते हैं इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर RBI पैसा छापेगा तो. लेकिन अगर गवर्नमेंट एक लेवल तक बढ़ाए इन्वेस्टमेंट और उसके बाद वो उसको पता रहे कि कब रुक जाना है, तो इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन ऑथर ने यहाँ पे बोला कि अगर आप IMF या वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हो तो उस पर बहुत सारे रीजन, क्योंकि वो कंडीशनलिटीज लगाते हैं, देयर इज नो फ्री लंच. उन्होंने कहा कि वो कंडीशंस लगाएंगे, वो आपसे अलग अलग कंडीशंस में लोन. दूसरा, अ लोन इज बाउंड टू टेक सम टाइम टू बी निगोशिएटेड. अभी आपको टाइम लगेगा, लोन लेने के समय आपको निगोशिएट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. देन जो ट्रू डेट होती है वो यही वाला लोन होता है, ये ट्रू डेट होता है. आप इंटरनली अगर आप इस तरह से करते हो काम तो ट्रू डेट नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से पैसा ले लोगे तो वो ट्रू डेट हो जाएगा. तो ये ऑथर ने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं. ना यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आप इस तरह से बाहर पैसा लेते हो तो उनको आपको हार्ड करेंसी में पैसा रिटर्न करना पड़ता है. अभी हार्ड करेंसी क्या है तो ये भी मैं आपको बताता हूँ, लिख लेना इस चीज़ को. हार्ड करेंसी रिफर्स टू द मनी दैट इज यूज्ड बाय नेशन दैट इज सीन एज पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्टेबल. एक ऐसी करेंसी जो कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल मानी जाए, फॉर एग्जांपल डॉलर. डॉलर एक ऐसी करेंसी जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, दूसरी कंट्रीज में भी एक्सेप्टेड है, ठीक है ना. तो हार्ड करेंसी इज बेसिकली दैट करेंसी विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट. उसको फॉर्म ऑफ पेमेंट की तरह आप एक्सेप्ट करें, वही करेंसी आपकी हार्ड करेंसी कहलाती है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द एडिटोरियल, आपको समझ में आ गए होंगे. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो मुर्मू रिजाइंस एज LG ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो GC मुर्मू द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हैज रिजाइंड बिकॉज ही इज नाउ गोइंग टू टेक द पोजीशन ऑफ कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. कैग की पोजीशन वो लेने वाले हैं एंड मुर्मू विल रिप्लेस राजीव महर्षि एज द कैग ऑफ इंडिया. कैग का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 148. इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. इसकी जो ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल 149 में मैंशनड है. बाकी कैग के बारे में आपको सब चीज़ें पता ही हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट.
एमपी शुड नॉट गेट जीआई टैग फॉर बासमती राइस। बासमती राइस का जीआई टैग एमपी को नहीं मिलना चाहिए, ये एप्लीकेशन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इसको मिलता है तो जो एक्सपोर्ट है वो अफेक्ट हो जाएगा, जो बासमती राइस का एक्सपोर्ट है पंजाब रीजन में और इधर वो अफेक्टेड रहेगा और पाकिस्तान इसका एडवांटेज उठा सकता है क्योंकि पाकिस्तान में ही बासमती राइस होता है। नाउ क्या है कि पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड कुछ डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर के हैं, दे हैव गॉट द जीआई टैग फॉर बासमती राइस। याद रखिएगा कौन कौन से स्टेट्स को बासमती का जीआई टैग मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में, कौन कौन से स्टेट्स को बासमती राइस का जीआई टैग मिला है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे हैव गॉट द जीआई टैग फॉर द बासमती राइस, ठीक है ना। दूसरी चीज अगर हम देखें, एज पर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कैन बी इशूड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो कौन से एक्ट के थ्रू मिलता है ये, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू ये ज्योग्राफिकल टैग की बात की जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, जीआई टैग फॉर बासमती हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनली ग्रोन एरियाज ऑफ बासमती ड्यू टू देयर स्पेशल अरोमा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, आज हम एक और राइस की वैरायटी की बात करेंगे जिसका यूज अभी केरला में होता था बट अब आपके सुंदरबन वाले रीजन में भी किया जाएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। सेंटर फॉर्मुलेटिंग R&D पॉलिसी फॉर बोलस्टरिंग ड्रग डिलीवरी डिस्कवरी। तो आप ड्रग डिस्कवरी के लिए सेंटर जो है एक नई R&D पॉलिसी अभी आई नहीं है, तो बस हेडलाइन थी मैंने आपको बता दी। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 3 मेजर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाए जाएंगे, देयर विल बी 3 मेजर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, उनमें से एक हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000 करोड़ रुपीज। अब वो जो पार्क बनेगा हैदराबाद वाला, वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के रिगार्डिंग रिसर्च एंड डिस्कवरी करेगा, ठीक है ना। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है, जो दवाई को उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो उस मेडिसिन को उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, सो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रह गई है लास्ट। तो यहाँ पे पोक्कली राइस सीडलिंग्स ट्रेवल फ्रॉम केरला टू सुंदरबन। तो पोक्कली राइस सीडलिंग, जो भी आप बोलना चाहें, स्पेलिंग याद रखना बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो पोक्कली वैरायटी क्या है, इट इज़ नोन फॉर इट्स सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, पोक्कली जो राइस होता है वो अपने सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। एंड अल्लाह पूजा जिसको जो भी आप पढ़ते हो, अल्लाह पूजा पुआ जो भी बोलते हो, वो एर्नाकुलम थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बेसिकली ये होता है। इसका यूनिकनेस के कारण इसको जीआई टैग भी दिया गया है। केरला की वैरायटी है पोक्कली वैरायटी, सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। तो इसको बेसिकली बोला जा रहा है कि सुंदरवन वाले रीजन में ट्राई किया जाएगा, और सुंदर वाले रीजन में इसका जो नया वैरायटी आया है इसी पोक्कली का, वो है विटीला 11। याद रखिएगा, विटीला 11 क्या है, इट्स अ वैरायटी ऑफ पोक्कली राइस ओनली। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विटीला 11 क्या है, तो वो भी आप बता देना। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आंसर्स क्वेश्चन जरूर करिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योरसेल्फ। दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।